हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सभी ठीक होंगे। गाइस जैसे आप लोगों को पता है, बजाज की तरफ से न्यू टू पल्सर को लॉन्च किया गया है, एक तो N250 और एक F250। गाइस आज की इस वीडियो में F250 के बारे में बात करने वाले, इसके हाईलाइट फीचर्स के बारे में बात करने वाले। देखिए दोस्तों, बाइक का जो वीडियो मैं इसलिए नहीं डाल रहा था कि मुझे लग रहा था कि गाइस ये बाइक मेरी सिटी में शायद जल्दी आ जाएगी, बट मैं आपको बता दूँ फिलहाल ये बाइक अभी आप लोगों को ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में देखने को मिलेगी और हमारे यहाँ दोस्तों ये दिवाली के बाद ही आएगी। इसलिए तो मैं सोचा कि चलो इस पे वीडियो बनाते हैं और इसके बारे में कंप्लीट बात करते हैं, बाइक के कंप्लीट हाईलाइट फीचर और इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले बजाज पल्सर न्यू F250 के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं न्यू बजाज 250 पल्सर के बारे में। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो जैसे आप लोगों को पता है गाइस, बाइक में टू बाइक लॉन्च किया गया, एक नेकेड बाइक लॉन्च की गई है जो कि N250 है और एक फेयरिंग 250 की लॉन्च की गई है। गाइस मैं आपको बता दूं, जो N250 है गाइस वो आप लोगों को 1,38,000 रुपीज़ की आ रही है एंड जो F250 गाइस वो आप लोगों को 1,40,000 रुपीज़ के आसपास की एक्स शोरूम प्राइस आ रही है। यानी कि एक्स शोरूम प्राइस देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये का डिफरेंस मिलेगा। F250 के अगर ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें तो हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और जो भी ऑन रोड प्राइस है फिलहाल तो वो सामने नहीं आया, बट अगर बात करें नॉर्मल तो 165 से 170 के आसपास की ये बाइक आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में, यानी कि कंप्लीट हाईलाइट फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बाइक की इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन टाइप में सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SOHC 2 वॉल्वो ऑयल कूल इंजन आपको बाइक में मिलेगा। तो ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी कि मैं जानता हूँ कि बाइक में 2 वॉल्वो है, एटलीस्ट इस बार बजाज को 4 वॉल्वो इंजन बाइक में डिजाइन करना था। 220F में भी 2 वॉल्वो इंजन आता है। बाइक में 249.07 का इंजन यूज किया गया है। मैक्सिमम पावर में 24.5 का PS पावर है जो कि 8750 RPM में पावर जनरेट करता है एंड मैक्सिमम टॉर्क में 21.5 का न्यूटन मीटर टॉर्क है जो कि 6500 RPM में पावर जनरेट करता है। यानी कि बाइक में आपको पावर एंड टॉर्क काफी अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन गाइस मेरे को ऐसा लग रहा था कि बाइक में 28 bhp के आसपास का पावर आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। अब देखते हैं कि RS और इसके ड्रैग रेस में कौन सी बाइक आगे निकलती है। वन नंबर ऑफ सिलेंडर में बाइक को डिजाइन किया गया है। कूलिंग सिस्टम में ऑयल कूल इंजन आता है, ये भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा, हमें लग रहा था कि बाइक लिक्विड कूल के साथ में आएगी। बाइक में 2 वॉल्वो है, ड्राई टाइप में चैन ड्राइव है। स्टार्टिंग टाइप में दोस्तों बाइक में आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, किक का ऑप्शन फिलहाल अभी जितनी भी हायर सेगमेंट की बाइक है उनमें नहीं आता। फ्यूल सप्लाई में फ्यूल इंजेक्शन है जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। मैनुअल 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको बाइक में देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस ये था बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। जैसे गाइस आप लोगों ने देखा, यहाँ पे बजाज का न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू इंजन आपको देखने को मिला है। लेकिन अगर आप लोग टेक्नोलॉजी देखेंगे ना गाइस, तो फिलहाल टेक्नोलॉजी आप लोगों को न्यू नहीं मिल रही है बाइक में, क्योंकि दोस्तों पहले की तरह बाइक में आपको 220 की तरह ऑयल कूल इंजन दिया गया, बाइक में 2 वॉल्व दिए गए, प्लस बाइक में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिले हैं। तो ये चीज़ ना मुझे ना थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी गाइस, क्योंकि भाई नई टेक्नोलॉजी अगर आप लोग देख रहे हैं, अदर कंपनी की बाइक देखोगे सारी बाइक 6 गियर में काम कर रहे हैं, 250 cc में तो लिक्विड कूल मिलना भाई नेसेसरी है, मेरे हिसाब से बहुत जरूरी चीज है। और ये चीज को बजाज को थोड़ा सा मुझे लगता है कि ध्यान देना था, बट ये चीज इसलिए हुई है मैं आपको बता दूं कि भाई क्या है ना, बाइक का जो कॉस्ट कटिंग यानी कि बजाज जो होती है ना अपनी बाइक्स में उतना ज़्यादा प्राइस के साथ में लॉन्च नहीं करती, इसलिए दोस्तों ये चीज़ हुई है। नहीं तो लेकिन मेरे हिसाब से बजाज को ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना था। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस अगर बात कर ले बाइक की माइलेज के बारे में, तो माइलेज मान लीजिए 35-40 के आसपास का जो माइलेज है वो बाइक निकाल देगी गाइस, उतना तो माइलेज आपको इस बाइक में मिल जाएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे लुक चेंज कर दिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे डोमिना 250 का अगर इंजन ये लोग यूज़ कर देते ना तो और बेटर हो जाती गाइस ये बाइक। चलिए बात करते हैं बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। न्यू स्पीडोमीटर आपको बाइक में दिया गया है इस बार, लेकिन फिलहाल फुली डिजिटल मीटर में आज भी बजाज की तरफ से काम नहीं किया गया। बाइक में आपको पहले की तरह एनालॉग विद डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है गाइस, जिसमें आप लोगों को स्पीडोमीटर इस बार एनालॉग दे दिया गया है। टेकोमीटर डिजिटल आता है जिसे RPM मीटर कहते हैं। ओडोमीटर डिजिटल है, ट्रिप मीटर डिजिटल है। फ्यूल गेज आपको बाइक में डिजिटल मिलता है। कुछ एडिशनल फीचर्स भी यहाँ पे ऐड किए गए गाइस, जैसे कि गियर इंडिकेटर हो गया, फ्यूल इफिशियंसी हो गया, रेंज
इंडिकेटर हो गया, ये कुछ कॉमन फीचर्स भी बाइक में ऐड किए गए गाइस जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मुझे लगता है गाइस फुली डिजिटल मीटर में अगर काम किया जाता तो बाइक और भी ज़्यादा बेटर हो जाती। बात करें दोस्तों बाइक के सस्पेंशन के बारे में, फ्रंट में आपको बाइक में टेलीस्कोपिक फॉक्स मिलते हैं एंड मैं आपको बता दूं गाइस सस्पेंशन में यहाँ पे काफ़ी अच्छे सस्पेंशन दिए गए, लेकिन भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि USD फॉक्स सस्पेंशन आएंगे, बट भाई अब क्या ही बोलूं। साथ में रियर में आपको बाइक में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। इस बाइक का जो कर्व वेट है गाइस वह 162 kg का, बाइक की जो व्हील बेस है वह 1351 mm की, बाइक का जो ग्राउंड क्लीयरेंस है गाइस वह 165 mm का, एंड बाइक की जो सीट हाइट है गाइस वह 795 mm की, एंड बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी गाइस वह 14 लीटर की, 14 लीटर पेट्रोल एक बार में फ्यूल करा सकते हो। गाइस बात करते हैं बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल्स दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कुछ नया देखने को मिला है बजाज की तरफ से, ये चीज मुझे अच्छी लगी क्योंकि फाइनली बजाज ने अपनी बाइक्स में LED यूज किया, क्योंकि अभी जितनी भी बाइक आ रही थी सारी में आप लोगों को हेलोजन बल्ब देखने को मिलता था। बाइक में आपको न्यू प्रोजेक्टर लाइट मिली जो कि LED प्रोजेक्टर लाइट है, DRL लाइट भी आपको इसमें LED देखने को मिल जाती है, टेल लाइट भी आपको इसमें न्यू मिली है वो भी आपको इसमें LED देखने को मिल जाएगी, टर्न सिग्नल लाइट भी LED है, ये सेम वही इंडिकेटर्स है जो कि आपको पल्सर RS 200 और KTM की बाइक्स में मिलते हैं, तो ये चीज मुझे थोड़ी ठीक लगी। बात करते हैं बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में। टायर साइज में गाइस फ्रंट में बाइक में 180 का टायर यूज किया गया जो कि 17 इंच व्हील के साथ में आता है, रियर में आपको बाइक में 130-70 का टायर मिलेगा वो भी 17 इंच व्हील के साथ में आएगा। टायर टाइप ट्यूबलेस टायर है, व्हील टाइप में अलॉय व्हील है। गाइस अगर बात कर ले बाइक के ब्रेकिंग के बारे में, ब्रेकिंग में दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं प्लेट साइज के बारे में, तो बाइक में आप लोगों को सबसे पहले सिंगल चैनल ABS मिला, ये बता दूं जी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम सिंगल चैनल ABS मिला है। हमें लग रहा था कि अपग्रेड करके 220 में डुअल चैनल ABS आएगा, बट यहाँ पे तो एक और से यहाँ पे हो गया, नई बाइक आ गई 250, उसमें भी आपको सिंगल चैनल ABS मिला है। बात करें प्लेट साइज के बारे में, फ्रंट में 300 mm की 300 mm की प्लेट यूज़ की गई है, रियर में आपको बाइक में 230 mm की प्लेट इस बाइक में देखने को मिल जाती है। तो ये था दोस्तों न्यू बजाज F250 पल्सर का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हाईलाइट फीचर्स। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को बाइक कैसी लगी। मेरे हिसाब से बाइक ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है गाइस कि होनी चाहिए। चलो तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके।